मामला हमीरपुर जिला के जरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुटक्वारा का है। खुशबू का कहना है कि मैं अपने मामा की शादी में अपने गांव इमिलिया से 14 मई 2019 को आई थी और तभी से मैं यहीं रह रही हूं। और हमारे ही गांव का देवी शंकर पुत्र धनीराम इमिलिया तहसील कालपी जालौन का रहने वाला लड़का मुझे पिछले 15 दिन से लगातार परेशान कर रहा है। कल दोपहर को जब मैं शौच करने के लिए निकली तो देवी शंकर ने मुझे शौच करते समय पकड़ लिया और जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। घर पर बहुत जबरदस्ती करी है कि मेरे साथ में, और पत्थर भी मारे मैंने, फेंक के तब भी नहीं माना। उन्हें के डर के बारे में मनाने में भाग आए तो बीते आ गया पीछे का देवी शंकर। अच्छा। और यहाँ पर लेटरिन की गई तो वहाँ पे भी पत्थर मारे मैंने, फेंक के पकड़ लिया, चिल्लाए आदमी से सुबह आ गए, सब मार भी है। तो मैंने पत्थर फेंक कर मारे, लेकिन मैंने समझ लिया कि अब इससे बच पाना मुश्किल है, तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी खेत पर मौजूद किसान ने मेरी आवाज सुनी तो दौड़ कर आए हुए लोगों ने मेरी जान बचाई। ये घटना भाई कि हम पानी डालने थे बराई में, बराई में मतलब वो लड़की लेटरिंग हो रही थी, वहाँ पे लड़का आया, उसे पकड़ा और पकड़ के चिल्लाने वो डंडा लेके हम दौड़े भाग गया। फिर दो चार गांव के आगे हम लोग गए, वहाँ 8-10 लोग पकड़ लिया, दौड़ के उसको पकड़ा, पकड़ के लाई तो जब तक 100 नंबर आ गई, 100 नंबर वाले उसको ले गए और सभी लोगों ने इस लड़के को दौड़ कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उनके साथ एक घटना हुई है कि लड़का आ रहा था 4-5 दिन से पहले, और इनके घर में पहले भी लड़ाई हो चुकी थी, वहाँ केसा कासी हो गई थी, और मेरे बुआ की लड़की है, मेरी बहन लगती है, तो ये चक्कर में था कि मारने के लिए था। ये लड़का, लड़के का नाम था देवी शरण, कम से कम 20 तारीख से पहले आ रहा था, पता तो आज दिन चला, मैं रहता था बाहर, कल आया था गाँव, तो यहाँ एक लोग था तो उसको देखते रहे कि ये लड़का कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, दोपहर में आता था। हमीरपुर से टाइम सिटी न्यूज के लिए रईसुद्दीन की रिपोर्ट।